फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। शाम से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है और हालत आप देख सकते हो, जैसे घर पे रहती हूँ वैसे हूँ। तो अभी मैं बना रही थी शाम का खाना, डिनर बना रही थी, और रियान जो है अभी ट्यूशन पढ़ के जो है उठा है। आज रियान ने मुझे खुश कर दिया क्योंकि रियान ने अपना बैग जो है अच्छे से, देखिए बैग में कापी वापी रख के अच्छे से रख दिया है बैग को। हमेशा यहाँ पे बुक जो है बिछा हुआ रहता है बेड में, तो हमेशा मैं डांटती हूँ रियान को। आज रियान ने अपने से खुद से कर लिया क्योंकि रियान आज बहुत ज़्यादा खुश है, और उसका क्या रीज़न है अभी आपको पता चलेगा। तो नीचे से लेके आओ। हाँ, तो रियान जो है इसलिए खुश है गाइस, कुछ दिन पहले ना उसने ऑनलाइन पे एक रोबोट देखा था और उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। तो उसने बोला था मम्मा मुझे ऑर्डर कर दो, बहुत दिन से बोल रहा था, बट मैं ऑर्डर नहीं कर रही थी क्योंकि एग्ज़ाम है अभी सामने, तो पढ़ाई जो है नहीं करेगा और उसी पर ध्यान रहेगा, तो मैं नहीं कर रही थी। उसने बहुत जिद किया, फिर मैंने ऑर्डर कर दिया रोबोट को, और आज जो है वो रोबोट आ गया है और रियान बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो अभी आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। ये देखिए गाइस ये मंगाया है रोबोट, अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं किया है, अभी रियान ही खुद कर रहा है अनबॉक्सिंग। वैसे तो काफ़ी पहले ही आ गया था बट मैंने दिखाया नहीं था क्योंकि रियान ट्यूशन पढ़ रहा था, और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। रियान अनबॉक्सिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। कैसा है रोबोट वो तो जैसे रियान खोलेगा तभी पता चलेगा। तो ये देखिए गाइस, ऑलमोस्ट रियान ने इस बॉक्स को फाड़ दिया है और ये रहा रियान का रोबोट। निकालो रियान का रोबोट, आ जाएगा अभी गाइस। तो ये देखिए गाइस, ये ब्लू कलर का रोबोट है और बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में, तो कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये रियान ने देख के ही ऑर्डर कर दिया, तो मैंने कहा चलो एक बच्चा है मेरा, उसको जो खिलौना पसंद है वो मंगा देती हूँ, फिर मंगा दिया। और कितना प्यारा लग रहा था, डांस कर रहा था रोबोट, और रियान देखिए गाना भी चेंज कर रहा है साथ ही में। तो रियान के साथ मस्ती करने के बाद मैं आ गई हूँ रात का डिनर बनाने। आज जो है मूली साग फ्राई कर रही हूँ, साथ में है दाल और राइस। तो दाल तो ऑलमोस्ट डेली बनता है हमारे घर पे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया है, अभी सुबह के बज रहे 7, और देखिए मेरे बिस्तर का हालत बहुत ही ख़राब है क्योंकि सो के उठा है। हस्बैंड जी आज गए हैं योगा करने और रियान को मैंने स्कूल के लिए रेडी कर दिया है, और इसे ना सुबह सुबह आलस आता है, और देखिए रेडी होने के बाद भी लेटा हुआ है। तो टाइम हो गया रियान, चलो उठो। बोलो गुड मॉर्निंग, उठो अब, हेलो करो सबको। अरे थोड़ा सा लेटने दूंगी तो लेट हो जाओगे ना, फिर बस चले जाएंगे। ठीक है। तो गाइस अभी चल रहा है एग्जाम, कल कौन सा पेपर था रियान? आर्ट्स पेपर था ना, तो कल आर्ट। अरे कल नहीं, उसके पीछे वाला। हाँ कल ही तो था बेटू, आज रिवीजन है, कल फिर से मैथ है। अरे मम्मा कल नहीं है, परसों है। इसके बाद वाला तो वो आर्ट। अच्छा। सो गाइस, तो सुबह की बात मिल रही हूँ आपसे 12 बजे, तो अभी नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी। रेडी क्या है, बस बाली बनाया अपना और जो है सिंदूर लगाया, और कुछ भी नहीं लगाया। पता नहीं क्या हुआ मेरे चेहरे पे ना पिंपल्स निकल रहा है, तो देखिए पहले एक हुआ वो ठीक हुआ, उसको मैंने नेल्स लगा दिया, फिर दूसरा हुआ फिर उसको भी मैंने नेल्स लगा दिया, फिर तीसरा हुआ यहाँ पर, तो एक लाइन से एक एक ठीक होते जा रहा है और एक निकलता जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ है गाइस। और अभी मैं रियान को लेने जाऊंगी, 12 बज गया है और रियान के स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो 12 बजे छुट्टी हो जा रही है। घर का ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया, घर का काम करते करते कैसे टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और इतना बड़ा फैमिली है हमारा और मैं अकेली पूरा हैंडल कर रही हूँ, आप समझ सकते हो। सब काम पे जाते हैं तो घर का काम करना, सब्जी लाना, राशन ख़त्म हो जाए तो राशन लाना, फिर पानी भी भरना पड़ता है, उसके साथ बेटे का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसको पढ़ाना 2 टाइम,
और फिर काम तो ऐसे बहुत सारा होता है, अगर मैं आपको गिनाऊँ ना तो बहुत सारा काम है, मतलब मैं बोल के भी बोल नहीं सकती, इतना सारा काम है। तो सारा काम करके अभी मैं थोड़ा सा हूँ फ्री, और अभी बैठी थी तो मैंने सोचा मैं गाइस को भी बता देती हूँ कि गाइस मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, अभी मैं रियान को लेने जा रही हूँ। और थकान सी महसूस हो रही है बॉडी में, जैसे लग रहा है कि मैं थक गई हूँ और थोड़ा सी रिलैक्स करूँ, लेटी रहूँ, नींद आ रही है, मेरी आँखों में नींद है। सुबह 5:30 बजे उठी हूँ और उसके बाद रियान को छोड़ने के बाद घर आई और थोड़ा सा लेट गई थी, उसके बाद फिर जाके अपना काम स्टार्ट कर दिया। और दोपहर के 12 बज गए, रियान को लाते लाते 1:30-1 बज ही जाएगा। फिर जो है दोपहर का खाना बनाऊंगी, पानी भी आएगा। गाइस कितना सारा काम है ना, तो क्या कर सकते हैं, काम तो करना पड़ेगा ही। और ज्योति पता नहीं कब आएगी, ज्योति रहती है तो मैं भी करती हूँ, ज्योति भी करती है, तो आधा आधा काम कर लेते हैं ना, तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। और मेरा थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है क्योंकि रियान स्कूल जाता है, तो आप समझ सकते हो बच्चे को स्कूल भेजना मतलब खुद को रेडी करना, उसको मैं रेडी कराती हूँ, खिलाती हूँ, फिर उसका बैग रेडी करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है क्या आज देना है। तो बच्चे का काम तो बहुत सारा है, बच्चा जब से स्कूल जाने लगा है ना तब से मैं गाइस बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। रुद्रपुर में जब थी एकदम फ्री थी, काम करने के बाद मेरे पास टाइम ही टाइम रहता था और मैं सोचती थी मैं क्या करूँ, बोर हो जाती थी, और तब मैं नए नए कंटेंट में वीडियो भी बना लेती थी कभी इधर उधर जाके भी। अब मैं कहीं जाऊँ तो सोचना पड़ता है, क्योंकि कहीं जाऊँगी तो रियान को भी लेके जाना पड़ेगा, और रियान को लेके जाऊँगी तो उसका स्कूल जो है मिस हो जाएगा या वो थक जाएगा, तो इसीलिए अब बाहर जा भी नहीं पाती हूँ। चलिए गाइस कोई बात नहीं, समय समय की बात है, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में शायद मैं फ्री हो सकती हूँ, तो आप तो मेरे साथ ही हो, जो भी होगा मेरी लाइफ में वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो आपको पता चलेगा। तो लेके आते हैं गाइस रियान को और फिर मिलाते हैं रियान से आपको। गाइस हमारा लंच, और ये देखिए दाल और छोले की सब्जी सुबह बनाया था, और ये रहा खीरा, और ये रहा रियान। रियान ने रोबोट को अभी खाना खिलाया, रियान का रोबोट ये रहा, स्कूल से आते ही रियान ने रोबोट को गोद में पहले लिया है ना रियान। वो देखो कह रहे रोबोट खा लो फिर खाता है रियान। तो अभी गाइस हो गया है शाम, तो शाम के टाइम ना भूख लग गया था, तो मेरा देवर जो है आज ना घर था, तो मेरे देवर लेके आए थे समोसे, और ये एक एक समोसे ना 10 रुपए का है, बट बहुत ही टेस्टी है खाने में। फिर आ गई मैं रात का डिनर बनाने, और आज है दूसरा दिन, तो मैं करेला जो है फ्राई कर रही हूँ, साथ में दाल बना रही हूँ, तो बहुत ही सिंपल खाना बनाती हूँ। अगर नॉनवेज बनता है ना तो संडे के दिन ही बनाते हैं, क्योंकि बाकी दिन सब काम पे जाते हैं, तो संडे के दिन सब फ्री रहते हैं, तो संडे को ही ला पाते हैं नॉनवेज वगैरह। और ये देखिए डिनर बन चुका है, तो गाइस आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ। तो आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।